नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए दो के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद उसी रंग के ऊन से चार लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो चार लाइन कंप्लीट होने के बाद पांचवें लाइन में आप दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे। दूसरे रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो। फिर एक फंदा आप छोड़ देंगे और तीन लाइन नीचे आएंगे। ये देखिए, ये एक है, ये दो और ये तीन। तीन लाइन नीचे आएंगे एक फंदा छोड़ने के बाद। ये इन दोनों फंदों के बीच में जो जगह है उसमें तीन लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर दो फंदा सीधा। फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और उनके बीच में जो स्पेस है, देखिए ये एक, ये दो और ये तीन। तो तीन लाइन नीचे आएंगे, सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। अब इस लूप को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर अगला दो फंदा सीधा। फिर अगले दो फंदे लेंगे और दोनों के बीच में ऐसे तीन लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे, फिर दो फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ रो और बैक साइड दो फंदा उल्टा बुनेंगे और इस लूप को जो हमने यहाँ से लिया था इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। इसे हमें बुनना नहीं है, इसे बस स्लिप कर लेना है। फिर अगला दो फंदा उल्टा। फिर दो फंदे के बाद ये लूप आ गया, तो जितने लूप बने हुए हैं उन्हें स्लिप करना है, उन्हें नहीं बुनना है। सिर्फ हमें जो फंदे हैं उन्हें ही बुनना है। दो फंदा बुनना है, उसके बाद ये जो लूप है उसे स्लिप करना है, फिर दो फंदा बुनना है और लूप को स्लिप कर लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड हरे रंग के ही ऊन से दो फंदा सीधा बुन लेंगे और लूप को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, फिर दो फंदे को सीधा बुनेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर लूप को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। लूप को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और इसे दोनों फंदों को के ऊपर से निकाल लेंगे। आसानी से होता चला जा रहा है। लूप को पहले दाहिनी सिलाई में लेंगे, दो फंदों को सीधा बुनेंगे, अब लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। लूप को दाहिनी सिलाई में लेंगे, दो फंदों को सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकालते चले जाएंगे। अब ये एक फंदा इससे बढ़ गया था, अब लूप को के अंदर से दोनों फंदे निकाल दे रहे हैं, तो ये एक फंदा कम होता जा रहा है, यानी जितना हमारे पास था उतना फंदा हो गया है। देखिए दो दो का सेट होता चला जा रहा है। ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से, यानी
एर्थ लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। चार लाइन कंप्लीट होने के बाद अब फिर हमें अपने पहले रंग के ऊन से बुनाई करना है। एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर देखिए यहाँ से हमको लूप लेना है, जहाँ पे ये जिग जैग जैसे ये बनता चला आ रहा है, देखिए तो इस पॉइंट से हमें लूप निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमें लूप निकालना है और इन दोनों फंदों के लिए लूप निकालना है। तो पहला फंदा सीधा बुनने के बाद इन दोनों फंदों के बीच में, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे और एक हम लूप निकाल लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जुड़ रहा है, तो हमको यहाँ से लूप निकालना है और इन दोनों फंदों के लिए निकालना है। तो पहले हम लूप निकालते हैं, उसके बाद फंदे बुनते हैं। तो लूप निकाल लिया, फिर दो फंदा सीधा बुन लिया। फिर अब हमें इन दोनों फंदों के नीचे बीच में तीन लाइन नीचे आना है और एक लूप निकालना है। देखिए ये दोनों, ये लूप हमने चढ़ाया था तो यहाँ पे ऐसे वी की तरह, उल्टे वी की तरह बन गया है। तो यहाँ से हमें लूप निकालना है, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे लूप जो है वो उल्टा वी बना रहा है, तो हमें यहीं पे ऐसे सिलाई डालना है और एक लूप निकालना है और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। नेक्स्ट दो फंदे और तीन लाइन नीचे, देखिए ये यहाँ पे उल्टा वी बन रहा है। तो इसी तरह करते हुए हमें लूप निकालना है, दो फंदा सीधा बुनना है, फिर हमें दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आना है, लूप निकालना है, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड में बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे और लूप को स्लिप करते चले जाएंगे। बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे यानी पांचवी लाइन की, सॉरी छठी लाइन की तरह लूप को स्लिप करते जाएंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुनते जाएंगे। अब सातवीं लाइन की तरह ही ये लाइन भी बुना जाएगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, फिर पहले लूप को दाहिने सिलाई में ले लेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे और लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। लूप को दाहिने सिलाई में पहले ले लिया, फिर दो फंदा सीधा बुना, लूप को उठाया और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लिया। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। और डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन ज़रा भी मुश्किल नहीं है और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। चाहे बच्चों के स्वेटर में बनाइए, चाहे लेडीज़ कार्डिगन जैकेट में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। यहाँ से पहला लाइन शुरू हो जाएगा, चार लाइन बुनने के बाद फिर हरे रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बुनिए और फिर इन दोनों फंदों के लिए हमें लूप निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे उल्टा वी की तरह बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे तीन सिलाई नीचे आइए, लूप निकालिए, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन डिज़ाइन बहुत ही आसान है। तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। तो डिज़ाइन बन के तैयार है, सामने से देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
अगर आपको मेरा बताया ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।